बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम टसल का बहुत ही खूबसूरत एक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक एम्ब्रॉयडरी पैच ले लिया है। आप चाहें तो सिंपल फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे कट करने वाले हैं। एम्ब्रॉयडरी मैंने लेस ले ली है। इसके अलावा फैब्रिक में मैंने सिल्क के कुछ पीस ले लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पैच के हाफ डी को कट कर लूँगी। इस पैच के ऊपर डी शेप में ही यानी सर्कल बना हुआ है। अगर आपके पास फुल हो तो आप फुल के दो पीस कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा। थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक मैंने इजाफी इसके साथ छोड़ा है, बिल्कुल कॉर्नर से कटिंग नहीं की इसकी। अब हम जो नीचे स्लिप वाला कपड़ा है उसको भी मार्क कर लेंगे। ये पीस ऊपर रख के हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद नीचे वाले पीस की भी कटिंग कर लेंगे। जी तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब हम अपनी लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। लेस को अप्लाई करने से पहले हम इसके ऊपर चोनट्स डालेंगे। यहाँ पे मैं बड़े बखिए की एक सिलाई लगाऊंगी और फिर धागा खींच के इसमें चोनट्स डालेंगे। ये मैंने धागा खींच के इसमें चोनट्स डाल लिए हैं। अब जो हाफ सर्कल हमने पैच का कट करके रखा हुआ था इसके ऊपर हम इसकी स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पे इसकी ये उल्टी साइड है और ये इसकी सीधी साइड है। सीधी साइड के ऊपर हम ये लेस रख के, लेस की उल्टी साइड है, पैच की सीधी साइड है, यहाँ पे रख के हम इसको स्टिच कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह से सिलाई, गोल सिलाई लगा लेंगे और लेस को पैच के साथ स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने कर लिया। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। जब हम लेस को सीधा करेंगे तो इस तरह से इसकी कुछ लुक आएगी, लेकिन फ़िलहाल हमें इसको सीधा नहीं करना। इसके ऊपर जो स्लिप का कपड़ा हमने काट के रखा था, सिल्क का पीस, उसको इसके साथ स्टिच करना है। यहाँ पे हम इसको रखेंगे और इस सिलाई के ऊपर ऊपर ही सिलाई लगा लेंगे। नीचे वाली सिलाई को एज अ गाइडलाइन हम यूज़ करेंगे, वरना आपने निशान लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। वरना जो सी सिलाई हमने पहले लगाई थी उसके ऊपर ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। जी तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये सीधा करने के बाद इसकी लुक। अब इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। इस जगह पे ये इसकी फाइनल लुक। यहाँ पे एक सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर दूँगी। अब इसको टसल की शक्ल देने के लिए हमें एक डोरी की ज़रूरत होगी। डोरी पे एक छोटी सी गिरा लगा के इसको बिल्कुल सेंटर में पैच के रख के इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस जगह पे हम सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर्स में से सिलाई को हम डबल लगाएंगे ताकि मज़बूती आ जाए। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया था तो ये इसकी कुछ फाइनल लुक। ये बहुत ही खूबसूरत टसल्स बन के तैयार होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं या अम्ब्रेला लुक में आते हैं।
अभी मैं आपको इसके पेयर की फाइनल लुक दिखाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।